हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। और बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैं टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगा, जो सब टॉपिक है, वो मैं आज बात करूंगा मोशनल ईएमएफ से बात करूंगा। राइट, तो मैं बात को अपनी टू द पॉइंट रखते हुए मैं आपसे बात ये कहता हूं कि इमोशनल ईएमएफ में जो आप बात करते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है किसकी वजह से, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब फ्लक्स में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो क्या इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ। राइट, तो आइए पहले आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपसे जिक्र करूं। तो सबसे पहली बात, कुछ बेसिक बातें भी हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पे मैं आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि आपके पास एक रॉड है, राइट, और ये रॉड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ओके। और ये रॉड आपके पास क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ओके। चूंकि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आप बात करते हैं, वोल्टेज के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पे, आप लिखते हैं यहां पे एल बी क्रॉस वी। आर यू ओके, कितना होता है यहां पे एल बी क्रॉस वी, मतलब कि बी और वी एक दूसरे पे क्या हो रहा है, आपके पास परपेंडिकुलर है। तो जरा मेरी बात को आप गौर कीजिएगा एकदम ध्यान से, जिसके बारे में मैं आपसे अभी जिक्र करने कर रहा हूं मैं। तो ये रॉड आपके पास, इस रॉड की जो लेंथ है बच्चों, वो कितनी आपके पास L है, और ये रॉड कितनी स्पीड से आपके पास जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से जा रहा है। राइट, तो अगर आपसे ये आपके पास A है और ये आपके पास B है, A और B क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक है। पहले मेरी बात को बहुत तरीके से, बेसिक तरीके से आप समझिएगा, आपको धीरे धीरे मैं आगे ऊपर ले जाऊंगा, आपको बातें बहुत तरीके से समझ में आएगी बात। तो ये A है और ये B है, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, V से जा रहा है यहाँ पे, ओके। और यहां पे कह रहा है आपके पास, जो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, B, क्लियर। तो यहां पे आपसे पूछेगा, और हाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे आपके पास सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात को गौर कीजिएगा, ये सारी सारा गेम यहां पे, जिस डायरेक्शन में भी, मेरी बात को जरा गौर से देखिएगा, यहां पे V और B दोनों को क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जो आपके पास वोल्टेज आपके पास आएगा, वो आपके पास इस पे और इस पे भी क्या होगा, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं आपसे। तो जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी जा रही है, आप क्या करिएगा, इसको, राइट, इसको उस डायरेक्शन में रखेंगे। आर यू ओके, क्लियर। तो एक चीज बताओ कि यहां पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां, इनसाइड है या आउटसाइड, आप कहिएगा सर आउटसाइड है, तो आप क्या कीजिएगा, इस डायरेक्शन में रखिएगा, ओके। तो चूंकि आपके पास ये क्या है, वी, और ये आपके पास क्या है, फील्ड कहां है, बाहर की तरफ है, ओके। तो एक चीज बताओ कि ये जो थंब है, ये आपको थंब क्या देगा, वोल्टेज को शो कराएगा, ओके। तो अब आप क्या लिखिएगा यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप वोल्टेज को शो कराएंगे। तो ये कितना हो गया ए, और ये कितना आपके पास बी, आपने क्या देखा, बी वी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपके पास इधर की तरफ जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आपके पास डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो अब आप ये क्या लिख सकते हैं यहां पे, ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, BLV, कितना होता है, साइन थीटा, लेकिन सब एक दूसरे पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल 90 लिख सकते हैं। अगर ये आपके पास क्रॉस अगर होता, तब आपके पास क्या होता है, ये आपके पास इसका डायरेक्शन कहां होता, अप। तो ये आपके पास इसकी जगह पे, अब आप क्या लिख सकते थे, जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब ये अप है, तो ये क्या लिखेंगे आप यहां पे, ये अब आपके पास पॉजिटिव और ये आपके पास निगेटिव, ये कितना था ए टू बी, तो अब आप क्या लिख सकते थे, जरा जल्दी बताइए बच्चों, यहां पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी एल वी, ओके। बात बहुत तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए।
अगर मैंने आपसे बात की, जरा आइए धीरे धीरे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। अगर आपसे मान लेते हैं कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ओके, ये सेमी सर्कुलर वायर है और ये इसका पॉइंट जो है बच्चों ए है और ये पॉइंट आपके पास कितना है, बी है, क्लियर। और ये क्या कर रहा है कि ये आपको भी वेलोसिटी से आपके पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, यहां पे आप इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिएगा, ठीक है। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोशनल ईएमएफ की तो बात करेंगे ही आप, ठीक है। पहला काम इस तरह की चीज जब भी हो तो पहला क्या करेंगे, एक इफेक्टिव लेंथ ले लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऑलरेडी आप मिला दें, तो जो लेंथ आप यहां पे कंसीडर करते हैं बी एल, जो एल आप लेते हैं, जो आप कंसीडर करते हैं वो क्या आप करते हैं वहां पे इफेक्टिव लेंथ होता है। तो ये इसका क्या हो रहा था, फरमाइएगा, सेंटर यहां से यहां तक की रेडियस आर, और ये भी रेडियस कितनी है, जरा जल्दी बताइए, आर। ये सेंटर को मैंने क्या नाम दिया, ओ। तो ये जो L है, L किसके बराबर होगा, जरा जल्दी बताइए आप, यहां पे 2R। तो ये बताओ यहां पे, अब तुम जरा ध्यान से देखना कि अगर ये मान लेते हैं क्रॉस, ओके, तो अब आप खुद देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं A टू B और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो लेंथ है बच्चों ये कितने के बराबर मैंने बोला है, 2R, और ये देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन में है, और ये क्रॉस मतलब कि इन साइड है। तो ये बताओ कि यहां पे आपके पास जो लिखेंगे आप कितना लिखेंगे, ये कहां है, इसका डायरेक्शन अप है ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और नीचे क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव। और ये आपके पास कहां से कहां तक की बात करेंगे, ए टू बी। तो बच्चों अब आप खुद बताइएगा यहां पे कि आपके पास कितना लिख सकते हैं आप, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना, बी, और बच्चों एल की जगह पे कितना लिखेंगे आप, टू आर, और इनटू कितना लिखेंगे यहां पे, बी। क्लियर है मेरी बात। तो ये मैंने किसके लिए बात किया, यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर के लिए मैंने बात किया, जब ये क्या कर रहा है आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी स्पीड से मूव कर रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में मैं आपसे बात करूं। देखिए मैं कोई अभी बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, शायद आप जानते होंगे, बट हम स्टेप वाइज अगर हम चले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसानी आपके लिए भी होगी। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक ये है और एक आपके पास ये है, और ये मान लो कि ये कितने से जा रहा है आपके पास, v स्पीड से जा रहा है, आर यू ओके एवरीवन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आपके पास, थीटा। तो आपके पास दो वायर है, एक ये है और एक आपके पास ये है, इसकी भी लेंथ कितनी है l, और इसकी भी लेंथ कितनी है आपके पास l, ओके, और आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो अब आपसे पूछेगा यहां पे भी इमोशनल ईएमएफ के बारे में, तो बहुत आसान है, बार बार मैं एक ही बात का जिक्र कर रहा हूं आपसे। तो यहां पे पहला काम क्या करेंगे, इस चीज को जरा गौर करें आप, ये बताओ ये एंगल बच्चों कितना होगा, थीटा बाई टू, और ये एंगल भी यहां से कितना होगा, थीटा बाई टू, और अगर ये एल है तो ये यहां से और ये यहां से अगर हम इसकी बात करें, तो अगर ये एल है तो बच्चों ये कितना होगा, L साइन थीटा बाई टू, और ये कितने की बात करेंगे, L साइन थीटा बाई टू, ओके, लिख सकते हैं आप। तो ये बताओ कि अगर ये A माना था और ये मैंने कितना माना है यहां से, B, तो ये बताओ ये कितने से जा रहा था, B से जा रहा था यहां पे, राइट। तो अब बताओ यहां पे कि A और B के बीच में अगर आपको पूछेगा तो ये टोटल आप यहां से कितना लिख सकते हैं, जरा जल्दी बताए आप यहां पे, L sin थीटा बाई टू और ये L sin थीटा बाई टू, तो यहां से यहां तक की आपके पास कितना लिख सकते हैं, टोटल लेंथ आपके पास कितना हो गया, 2L sin थीटा बाई टू, और ये कितने से जा रहा है आप, V से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर। और मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन में फील्ड का कहां है, इन साइड, ओके। आपको याद रखिएगा, आपको बहुत तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो इस चीज में आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये आपके पास कहां है, इस डायरेक्शन में, राइट, फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, वी और बी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन कहां है, डाउन। तो इसके लिए जो आप लिखेंगे पहला काम, ओके, कितना आपके पास, ए टू बी, तो बच्चों यहां पे इंड्यूस ईएमएफ, या आप क्या लिख सकते हैं आप यहां पे,
VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप यहां पे, B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, L L कितना लिख सकते हैं 2L साइन थीटा बाय 2 इनटू कितना V लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप, ओके है, बहुत ही आसान सी चीज है ये सारी चीजें, बस आपको ख्याल रखना है, ओके। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं, याद रखिएगा कि इसमें मैं दो चीज के बारे में मैं आपसे काम करवाऊंगा, एक तो जब आपके पास मोशन आपके पास ट्रांसलेशनल है तब, राइट, दूसरे में जब हम बात करेंगे जब आपके पास मोशन रोटेशनल है तब, तीसरा मैं कुछ कंडीशन में आपसे बात करूंगा रोलिंग है तब, राइट। तो बात को जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने बात किया है कि ये एक ट्रांसलेशनल फॉर्म में जा रहा है यहां पर, राइट, ये लीनियरली मूव कर रहा है। इसके बाद अभी इसके ऊपर और भी कुछ केसेस हैं, आइए मैं उसे आपको रूबरू कराता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास ये वायर है और ये ए है बच्चों, और ये आपके पास कितना है बी, और ये क्या कर रहा है पता है आपको, यहां से ये कुछ स्पीड से आपके पास मूव कर रहा है, और ये बताइए क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि ये एंगल कितना बताओ यहां पर थीटा, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है जल्दी बताओ यहां पर एल, ओके। तो एक चीज बताओ कि अगर ये लेंथ एल है ए से बी के बीच में आपको निकालना है, राइट, जो भी बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इसको मैंने अगर आगे यहां से बढ़ाया और ये इसको हमने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओके। तो ये थीटा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल भी कितना होगा तुम्हारे पास थीटा। अब ये बताओ ये एल है तो जाहिर सी बात है कि ये कितना होगा जल्दी बताओ यहां पर एल साइन थीटा, ओके है, अरे बात समझ में। तो खुद बताओ यहां पर कि अगर जो मैंने बात किया यहां से कितना लिख सकते हैं यहां पे b और l की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं यहां पे l sin थीटा इनटू कितना बताओ यहां पे v लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, जरा ध्यान से देखिएगा अभी जो आपने बात किया ये कैसे था आपके पास, ये v था, ओके, ये कितना था l, ओके, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी मैंने क्या दिया थीटा, तो ये कितना हो रहा है आपके पास L sin theta। उसी तरीके से अगर मैंने बात कर दिया, इस केस में भी बात करेंगे यहां से कि अगर ये V है, ये एंगल भी यहां से आपके पास कितना है थीटा है, तो ये बताओ कि अगर ये V की टर्म में अगर हम बात करें, अगर ये V है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना V cos theta, और इधर आपके पास कितना हो रहा है आपके पास V sin theta, और ये क्या आपके पास फील्ड है, राइट, फील्ड कहां है आपके पास इनसाइड, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो तो जरा ये आपके पास मूव कर रहा है कितना v sin थीटा, ओके, और ये बताओ फील्ड कहां है, लेंथ कितनी है l, ओके। अब ये बताओ कि आपके पास इस डायरेक्शन में, राइट, आपके पास इसका डायरेक्शन कहां है अप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मान लिया मैंने ये b था और ये a था, राइट, b और ये कितना a, तो आप क्या लिख सकते हैं आप यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों यहां पे बी एल और V के यहां पे, अब यहां पे आप कितना लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, ओके एवरीवन। आइए मैं आपसे इस चीज पे मैं आपसे जिक्र करूं, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं कि ये 3 मीटर है, ओके, और ये आपके पास 5 मीटर है, और ये आपके पास ए बी और ये कितना आपके पास सी, ये एक आपके पास वायर है और ये क्या कर रहा है आपसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, किसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। तो जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि ये आपके पास कहां है ये आरिवासन में, तो ये बताओ कि अगर ये ए है और ये है तो हम सबसे पहला काम आप क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहला काम यहां पे हम इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे, तो इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक की बात करेंगे, ये ए टू सी, तो ये आपके पास 3 है ये 5 है तो ये कितना होगा जरा जल्दी बताओ यहां पर 4 मीटर की बात करेंगे, तो एक चीज बताओ यहां पर कि आपके पास ए और सी ये कितना आया 4 मीटर, और जाहिर सी बात है कि ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है बताएंगे आप, v स्पीड से मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं यहां पे कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल यहां पे कितना हो रहा है बताओ यहां पे
जीरो, आपके पास कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं होगा, क्लियर है मेरी बात। यहां पे कहीं से भी कोई ईएमएफ के बारे में बात नहीं करेंगे हम, ठीक है बच्चों। अगर आपसे बात की जाए, देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ छोटी छोटी चीजों को मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये आपके पास रॉड है, राइट, ये ए है बच्चों और ये बी है, और ये यहां से आपके पास क्या कर रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल यहां से कितना बना रहा है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये आपके पास कितना, वी कॉस, और ये कितना आपके पास, वी साइन, ओके। और आपके पास फील्ड, आपके पास कुछ भी ले लें, आउटवर्ड ले लें, इनवर्ड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, बता दिया गया है कि आपको करना क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बात करेंगे आप, तो देखिए तो जरा यहां पे इसको ऐसे लिख रहे हैं ना आप, यहां पे v sin थीटा और ये कितना है a और ये कितना b, ओके। अब आप क्या करेंगे, खुद देखेंगे आप यहां पे कि जिस डायरेक्शन में भी आपके पास, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, ये थंब देख रहे हैं आप यहां पे, ये इस डायरेक्शन में है, और ये देख रहे हैं ये कहने का मतलब ये कहां है, इनसाइड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ए और ये क्या आपके पास है, बी, क्लियर। तो यहां पे आपके पास ई इक्वल टू कितना लिखेंगे, बी एल, और कितना लिख सकते हैं आप यहां पे, वी साइन थीटा। ये आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, ओके, क्लियर है मेरी बात। आइए मैं अब आपसे जो बात करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो भी मैंने अभी बात की आपसे, वो सिर्फ एक मैंने बात किया था ट्रांसलेशनल से रिलेटेड। जब कोई भी रॉड आपके पास कैसा मूव कर रहा है, ट्रांसलेशन में आपके पास बात करेंगे, लिनियरली मूव कर रहा है तब की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करे, वो रोटेट करना शुरू कर दे, तब आपसे पूछेगा कि वहां पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं, कंप्लीटली बेसिक सी चीज बात कर रहा हूं मैं आज की क्लास में, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं कि, जरा मेरी बात को बहुत गौर से तवज्जो देंगे आप, अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है यहां पे, और ये रॉड मैंने माना आपको कहां से कहां तक निकालना है, ए टू बी, क्या अरिवा सामने, और ये रॉड आपके पास क्या कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहेगा, अरे ओके, क्लियर। तो पहला काम, सबसे पहला काम जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी, पहले बताओ यहां पे एल, क्लियर है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया, ये आपके पास कितना है डीएक्स, ओके, और जहां से मैंने कंसीडर किया है वो कितनी डिस्टेंस पे किया बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे किया है, क्लियर है। तो अगर ये रोटेट करेगा, अगर ध्यान से देखिएगा, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या कर रहा है आपके पास, कुछ ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और साथ साथ लीनियर भी है आपके पास। तो एक चीज बताओ यहां पे कि जहां से मैंने एज्यूम किया है, ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा कि नहीं करेगा। आप लिखते हैं कितना, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो हम यहां पे वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जरा फरमाएंगे आप यहां पे ओमेगा इंटू एक्स। प्लीज मेरी बात को बहुत गौर से देखिएगा, वी इक्वल टू हमने कितना लिख दिया, ओमेगा एक्स। अब एक चीज तुम बताओ यहां पे कि अगर मैंने ये बात की है, अब जरा मेरी बात को फिर गौर करो, स्पीड क्या है, स्पीड कहां है, इस डायरेक्शन में, और ये थंब का डायरेक्शन जरा आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो अब आपके लिए क्या लिख सकते हैं, ये और ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, ओके, ये ए था और ये आपके पास बी था, तो ये डीएक्स अगर आपने अज्यूम किया तो यहां पे आपके पास ईएमएफ आप कितना लिख सकते हैं, आप इसको डी लिख सकते हैं यहां पे, इसी को मैंने यहां पे किया। तो एक चीज बताओ कि डी इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, बी एल वी, राइट, साइन थीटा, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, आपको पता है एंगल कितना होगा 90। अब ये बताओ डी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप यहां पे, बी, ओके, बी इज द व्हाट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और कितना एल, मतलब कि स्मॉल कितना आपके पास है, डीएक्स इंटू वी, और बच्चों वी की जगह पे हमने कितना क्या है यहां पे, ओमेगा एक्स, क्यों किया, क्योंकि यहां पे लीनियर और एंगुलर दोनों आपके पास वेलोसिटी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं,
तो एक चीज बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेट अगर तुम कर रहे हो डी इक्वल टू, तो बी ओमेगा को अगर आप बाहर रखते हैं तो एक्स डी एक्स लिमिट कहां से लोगे, जीरो टू एल तक की बात करोगे, तो ई इक्वल टू आपके पास कितना हो गया बी ओमेगा, और जाहिर से बात है ये पता आपको एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल, तो ई इक्वल टू बच्चों यहां पे हाफ बी ओमेगा और इनटू कितना, ये हमने बात कर दिया किसका, इसके बारे में मैंने बात किया, ये किसके लिए बात किया हमने यहां पे, ये हमने बात किया कि जब रॉड आपके पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये आपसे पूछता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए मैं आपसे जो बात करूं, अगर इस चीज पे गौर कीजिएगा, अगर इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओके पहले ये रॉड, इससे पहले जो भी मैंने बात किया था, ये जो रॉड था आपके पास, ये और ए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जिसको हम बात करेंगे यहां पे, ये कहां से मूव कर रहा, सेंटर से मूव कर रहा, राइट, क्लियर है मेरी बात यहां पे, तो ये ऐसे मूव कर रहा बच्चों, ओके समझ में आई बात यहां पे, तब आपसे पूछेगा इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, या जिसको हम बोलेंगे हम यहां पे मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, कैसे निकालेंगे आप, जरा इस बात को गौर करेंगे, इस चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं, ओके ये है बी और ये है ए, दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से खोलेंगे आप, ये इनके बीच की दूरी कितनी है एल, तो यहां से इसके बीच की दूरी मेरे बच्चों कितना हो गया एल बाई टू, और ये भी कितना हो गया पहले बताओ यहां पे एल बाई टू, तो सिंपल सी बात, वही चीज जो अभी इससे पहले मैंने जिक्र किया था, इक्वल टू कितना होता हाफ बी ओमेगा इंटू कितना एल स्क्वायर, कब की बात कर रहे थे, जब अगर मान लेते कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट था और ये ऐसे 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 करके मूव कर रहे थे, तो जीरो टू कहां तक की बात कर रहे थे एल तक की बात कर रहे थे, अब आपके पास क्या है ये पॉइंट की बात करेंगे, तो एल कहां से लेंगे सेंटर से लेंगे, तो वहां पे एल की जगह पे आप कितना लिखेंगे एल बाई टू का स्क्वायर, तो सिंपली आप लिख सकते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर, तो यहां पे आपके पास जो आपके पास ईएमएफ आएगा कितना बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट की बात करेंगे आप, ये बात तो क्लियर है। अब जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ स्पीड से ऐसे मूव करेगा और ये यहां से कुछ ऐसे मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, हाँ यार, इसका मतलब अगर इसी फिगर को यहां पे अगर दिखाएं तो ये इधर से और ये आपके पास क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, और आपके पास फील्ड कहां है इनसाइड, अब आप खुद देख रहे हैं यहां पे इस फिगर को बना करके जरा ध्यान से देखेंगे, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है राइट, और इसकी बात करें तो ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसका जो ईएमएफ आपके पास दिखाएंगे डायरेक्शन ये कैसे मूव करेगा, ये नीचे की तरफ है ना, तो यहां पे ये और ये इसकी बात करो ये क्या है ओ पॉइंट, क्लियर, ये आपके पास पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, और ये कितना तुम्हारे पास बी और ये कितना है ए, जरा मेरी बात को गौर कीजिए समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ओके है, इसका आपके पास जो मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू आई कैसे आई ये बात समझ में आई, बात आप इंटीग्रेट भी करते तो वहां पे था जीरो टू एल और यहां पे जो आप बात करेंगे कितने की बात करेंगे जीरो टू एल बाई टू, ओके एवरीवन, चलिए इस सवाल पे बात करते हैं आपसे, देखिए मैं बहुत ही अभी बेसिक सी चीज में आपसे बात करूंगा, अब मैं आपसे बात करूंगा रोटेटिंग सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात करेंगे, रोटेटिंग सेमी सर्कुलर रिंग आर यू ओके, लेकिन वेलोसिटी कैसी है एंगुलर वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, जरा गौर करेंगे आप ये पॉइंट को जरा ध्यान, ये पॉइंट ऑलरेडी ये फिक्स्ड है राइट, और ये कहां है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्लियर, तो जब ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, बात यहां तो जब ये मूव करेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है हम यहां पे एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट बी मानते हैं, ठीक है, तो एक चीज बताओ इसका हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, पहली चीज तो ये देखो कि जब ये यहां से ऐसे आपके पास मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में अगर आपसे मूव करे तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं,
इसकी रेडियस कितनी है ये पहले बताओ। यहां पे ये सेंटर है, ये सेंटर आपके पास कितना है ओ। अब ये बताओ ये ए टू बी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों ए टू बी, और ये टोटल लेंथ जो आपके पास जो हमने माना है वो कितने के बराबर हो जाएगा बताओ यहां पे 2R। और ये इसी पॉइंट के अलोंग क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास रोटेट कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ये रोटेट करने का मतलब है, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा राइट। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फील्ड अंदर है तो ये बताओ इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना तुम लोग, ये ए है और ये आपके पास कितना अंदर है जल्दी बताओ बी, ये पॉजिटिव और ये कितना अंदर है जल्दी बताओ यहां पे नेगेटिव। हाँ या ना, क्लियर। तो आपके पास ये भी क्या है रोटेटिंग है, तो जब रोटेटिंग है तो ई इज इक्वल टू कितना आप लिख रहे हैं आप हाफ, वही चीज बार बार हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एल की जगह पे आपके पास कितना अंदर है जल्दी बताओ टू आर का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू बच्चों लिख सकते हाफ बी ओमेगा, और ये कितना आपके पास है फोर आर स्क्वायर। ये कैंसिल जब आप करेंगे तो फाइनली आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें या आप क्या लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू हाफ, सॉरी ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका आपके पास, तो कितना लिखेंगे आप यहां पे टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना लिखेंगे आप यहां पे टू बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये जो भी मैंने बात किया किसके लिए बात किया, रोटेटिंग रिंग के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। आइए मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं, तो अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा अब आपसे स्लाइडिंग रिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्लाइडिंग रिंग में होता यह है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक स्लाइडिंग रिंग है यहां पर ठीक है, और ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है आपके पास स्लाइड कर रहा है ठीक है। तो जब ये स्लाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये मूव कर रहा होगा, ये स्लाइड कर रहा होगा राइट। तो एक चीज बताओ कि हमें ये ए और बी पॉइंट की में निकालना है आपके पास क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, बड़े गौर से देखिएगा और बहुत ही आसान है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम बता सकते हैं यहां पे कि इन दोनों के लिए आपके पास क्या हो रहा है इफेक्टिव, आपके पास ये हो रहा है कि नहीं हो रहा राइट। अब ये बताओ यहां पे इसके लिए हम ये ऐसे लिख रहे हैं यहां पे, और इसके लिए अगर हम ये ऐसे लिख रहे हैं तो इसके लिए भी आपके पास ये इफेक्टिव है, और इसके लिए ये आपके लिए इफेक्टिव है, ये भी आपके पास कितना हो रहा है टू आर, और बच्चों ये भी कितना आपके पास हो रहा है टू आर हो रहा है, और ये दोनों आपके पास क्या कर रहा है सेम वेलोसिटी से आपके पास सेम स्पीड से मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, क्लियर। तो जब दोनों आपके पास यहां पे सेम स्पीड से आपके पास मूव करेगा तो ये बताओ ये देखने जरा ध्यान से फील्ड कहां है इन साइड, स्पीड आपके पास कहां है आगे की तरफ राइट। तो ये बताओ इसका डायरेक्शन कहां है अप, और इसके लिए भी बात करोगे तो इसके लिए आपके पास कहां है ये भी कहां है अप है। तो इन दोनों के लिए अगर हम ये ऐसे अगर हम इन दोनों का ये लिख सकते हैं बच्चों पोटेंशियल, आपने देखा यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं आप ओके। और इन दोनों का आपके पास अगर हम रिजल्टेड बात करें तो ये आप इसको ये लिख सकते हैं कहां से कहां तक की बात करेंगे ए टू बी ओके। तो क्या लिखेंगे वी ए माइनस कितने की बात करेंगे वी बी, और ये कितना है बी ओके। एल जो हम बात करेंगे जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितने के बराबर आपके पास है यहां पे टू आर इंटू कितने की बात कर रहे हैं यहां पे वी की बात करेंगे ओके। ये किसके लिए मैंने बात किया जब कोई भी रिंग क्या कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइड कर रहा है ओके। अब ये पहले जरा गौर कीजिएगा जो हमने बात किया था वो मैंने बात किया था स्लाइडिंग रिंग के बारे में या आप ट्रांसलेशन के बारे में बात करें आप। तो अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा किसके लिए रोटेटिंग रिंग के बारे में बात करेंगे। तो रोटेटिंग का मतलब तो पता है कि एक फिक्स पॉइंट पे वो क्या कर रहा है आपके पास रोटेट कर रहा है। तो अगर ये आपके पास क्या कर रहा है यहां से इस पॉइंट से आपके पास क्या कर रहा है ये रोटेट कर रहा है किसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पता है कि जब ये आपके पास कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है अपने फिक्स्ड एक्सिस पे मतलब कि इस पॉइंट पे होकर के ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो यहां से आपके पास फ्लक्स में कहीं से कोई चेंज नहीं आ रहा है।
तो जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि फाई आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा कि रोटेटिंग के केस में आपके पास जब भी बात करें तो वहां पे आपके पास फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब के कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, पोटेंशियल आपके पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं जरा गौर कीजिएगा, पहला मैंने ट्रांसलेशन बताया जिसको स्लाइडिंग बोल रहे हैं, दूसरा मैंने रोटेशन बताया, और तीसरा जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो जाहिर सी बात आपसे क्या पूछेगा, रोलिंग के बारे में पूछेगा। तो अगर आपसे बात करेगा यहां पे रोलिंग रिंग के बारे में बात करें तो जरा मेरी बात को गौर कीजिए। अगर इस कंडीशन की बात कर ले, अगर हम आपसे रोलिंग रिंग देखते हैं कि क्या होता है, इस केस में आपने देखा है कि यह आपके पास क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और यह आपके पास क्या कर रहा है, स्लाइड भी कर रहा है। ये दोनों मतलब कहने का मतलब है कि इसकी बात करें और कहां से कहां तक की बात करेंगे, ए टू बी, मेरी बात को जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बताओ कि ए टू बी की बात करेंगे, यहां पे ये क्या है, वी स्लाइड कर रहा है, कहां, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। और इसकी बात करें आप तो यहां पे बच्चों क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, क्लियर है। ए टू कहां तक की बात करेंगे, बी। तो अब आपसे पूछेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछेगा रोलिंग रिंग में, बहुत आसान है ना। एक चीज बताओ तुमसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये आपके पास है ट्रांसलेशनल और ये आपके पास है रोटेशनल, जब ये दोनों मिला तो हमें क्या मिला, रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये बताओ सबसे पहली बात तो ये तुमने ये देखा कि इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कितना है, जीरो। और यहां की अगर आपसे बात की जाए तो यह आपके लिए क्या है, ये आप देख रहे हैं यहां से कि इससे पहले हमने ट्रांसलेशन की बात किया और ट्रांसलेशन में जो आप बात करेंगे कहां से कहां तक बात करेंगे, वी ए माइनस वी बी, ये कितने के बराबर होगा, बी आर की जगह बच्चों टू आर इंटू वी। तो अगर हम रोलिंग के बारे में बात करें, अभी रुक जाओ, बी टू आर इंटू वी, तो रोलिंग के बारे में बात करते हैं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना बच्चों, बी टू आर इंटू वी प्लस जीरो। तो यहां पे आपके पास कितना आया, बी टू बी आर इंटू बी की बात करेंगे, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, नेट आप जो आपने पूछा है यहां पे ईएमएफ इंड्यूस के बारे में बात किया आपने, किसमें, रोलिंग मोशन में बात करेंगे।